ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनवतु सहनौ भुनक्तु सहनवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवासाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे श्लोक नंबर 51 महाराज सार्वभौमः महाराज सार्वभौमः संतृप्तः सर्वभोगतः संतृप्तः सर्वभोगतः मानुषानंद सीमानं मानुषानंद सीमानं प्राप्यानंदैकमूर्तिभाक् प्राप्यानंदैकमूर्तिभाक् विद्यान मुनि अब तीसरा दृष्टांत हमें कहते हैं तीन दो दृष्टांत हमने देखे शकुनी नहीं चौथा दृष्टांत पहला शकुनी का दृष्टांत था सूत्रबद्ध है देन पक्षी का एक दृष्टांत था दूसरा तीसरा दृष्टांत था बालक का दृष्टांत था अब चौथा दृष्टांत देते हैं महाराज जो महाराजा उनके जीवन में क्या होता है आप देखो सार्वभौमः संतृप्तः सर्वभोगतः राजा के पास सर्व प्रकार के सर्वभोगतः संतृप्तः सर्व प्रकार के भोग राजा को उपलब्ध होते हैं और सर्व प्रकार के भोग उपलब्ध होने से संतृप्तः तो जिसको हम मानुष आनंद कहते हैं आप देखो वो सर्व प्रकार के आनंद की उपलब्धि राजा को है सर्व प्रकार के भोग वो भोग चुके हैं और इसलिए उनके मन में जो है प्राप्य आनंद मूर्ति भाग वो हमेशा आनंद में रहते प्रसन्न रहते हैं आप देखो क्योंकि अनेक प्रकार के लौकिक भोग जो है
राज्य की दृष्टि से देखें, ज्ञान की दृष्टि से देखें, विषय की दृष्टि से देखें, सर्व प्रकार के भोग उपलब्ध है राजा के लिए और वो भोग से संतृप्त भी है, और इसलिए नए कोई राग द्वेष उनके लिए आवश्यक नहीं है। आप समझो, कोई राग द्वेष की अपेक्षा रहेगी नहीं, क्योंकि वो सर्व प्रकार के भोग कर चुके हैं, और इसीलिए प्राप्य, ये सब प्राप्त करके उनके मन में क्या होता है, आनंद भूख। अब देखो वो अपने आनंद में मस्त है। आप सब सार्वभौम, सार्वभौम माने क्या है, संपूर्ण पृथ्वी का वो राजा है। तो एक राजा को जो चाहिए सब उनको प्राप्त हो गया है, एक मनुष्य को जो चाहिए वो भी उनको प्राप्त हो गया है, और इसलिए वो अपने आप से भी संतृप्त है, और इसलिए वो अपने मस्ती में आनंद भाग माने कि वो अपनी मस्ती में राग द्वेष रहित होकर, जिस प्रकार से जीव सुषुप्ति में राग द्वेष रहित होकर वो मस्त रहते हैं, उसी प्रकार से ये राजा भी जो है अपने आनंद में है। आप देखो तो सुषुप्ति अवस्था में जिस प्रकार से प्रकार इंद्रिय कहो, वस्तु कहो, भोग कहो, देश काल, सर्व वस्तु जो अव्यक्त अवस्था प्राप्त कर गए, कुछ है ही नहीं, फिर भी मैं हूं। आप देखो आप स्वयं है वहां पर, और इसीलिए आनंदैक भाग, वो अपने आनंद में अपने मस्ती में है। जिस प्रकार से महाराजा मस्त रहते हैं, उसी प्रकार से आपको भी सुषुप्ति अवस्था में वो एक अद्वितीय आनंद का अनुभव होता है। उसी प्रकार से अब महाविप्र, अब देखो जो है ना, जो महाविप्र है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, उनका दृष्टांत दे दे, तो हम श्लोक नंबर 92 श्लोक 52 हम पढ़ेंगे पहले। महाविप्रो ब्रह्मवेदी, महाविप्रो ब्रह्मवेदी, कृतकृत्यत्वलक्षणाम्, कृतकृत्यत्वलक्षणाम्, विद्यानन्दस्य परमाम्, विद्यानन्दस्य परमाम्, काष्ठां प्राप्यावतिष्ठते, काष्ठां प्राप्यावतिष्ठते। महाविप्रह महाब्रह्मवेदी, महाविप्र माने कि वो ब्रह्म ज्ञानी है। महाब्राह्मण प्रत्येक भिन्न ब्रह्म साक्षात करवान अहम कृतकृत्य है, कृतकृत्य है, कुछ करने का बाकी नहीं है उनके लिए, कुछ भोगने का भी उनके लिए बाकी नहीं। आप समझो कर्म भी हम किसके लिए करते, कर्म कर्म के लिए हम नहीं कर रहे, कर्म हम भोग के लिए कर रहे हैं। और ये जो विप्र है, ज्ञानी है, वो जानते हैं कि मैं अकर्ता अभोक्ता आत्मा हूं, और इसलिए वो कृतकृत्य है। तो उनका जो आनंद है वो आनंद कैसे, विद्यानंदस्य परमाम काष्ठाम प्राप्य। परमाम काष्ठाम माने कि वो परम सीमा, आप देखो चरम सीमा जिसको हम कहते हैं, वो अंतिम सीमा का जो आनंद जो है, उनकी प्राप्ति उनको हो गई है, वो ब्रह्मानंद की प्राप्ति उन्हें हो गई है, और इसलिए उनके लिए कोई कर्म, कोई भोग, कोई वस्तु, कोई संबंध जो है सुख के लिए, ये किसी के भी उनके उनको अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में ही तृप्त है। और इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से जो ब्रह्म ज्ञानी कृतकृत्य होते हैं, विद्यानंद में ही प्राप्य अवतिष्ठते, वो विद्यानंद जो परमानंद है उसी में वो स्थित हो जाते हैं। अब देखो आत्मनियव आत्मना तुष्ट है, उनके अन्य किसी की अपेक्षा नहीं है। अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि ये जिस प्रकार से छोटा बालक जो है, श्येन है, आप देखो शकुनी है, सब अपने पास आते हैं। मैं यही कहती हूं, यू कम बैक टू योर सेल्फ, आप अपने साथ बैठो। तो अपने स्वरूप का ज्ञान जिसको हो गया है, वो अपने में है। तो सुषुप्ति अवस्था में भी आपको जो ज्ञान है वो तो क्या है, तो बोले आप ये दृष्टांत देते हो ना,
ननु एते कुमारादयः त्रयः एव किमिति दृष्टान्ते दृष्टान्ति कृताः। ये कुमार आदि जो आप कह रहे हो ना, तो ये तीन को आप क्यों दृष्टांत बना रहे हो? आप समझो, शकुनी और शेन का जो आपने दृष्टांत दिया है, तो उसमें तो हम समझ सकते हैं कि वो घूम घूम के फिर अपने पास आ गया। आप देखो अनेक दिशम दिशम प्रतिगत्व, आप देखो वो अपने पास आ गया। तो लेकिन ये बालक का जो आप दृष्टांत देते हो, महाराज का जो दृष्टांत देते हो, या महाविप्र का आप दृष्टांत दे रहे हो, तो ये तीन जो दृष्टांत श्रुति माता ने दिया है उनके पीछे उद्देश्य क्या है? तो उनके उद्देश्य क्या है वो अगले श्लोक में हमें दर्शाते हैं। श्लोक पढ़ेंगे 53वां श्लोक। मुग्ध बुद्धाति बुद्धानाम, मुग्ध बुद्धाति बुद्धानाम, लोके सिद्धा सुखात्मता, लोके सिद्धा सुखात्मता, उदाहृतानामन्येतु दुखिनो न सुखात्मकाः, दुखिनो न सुखात्मकाः। बोले बालक का जो दृष्टांत है किसके लिए? मुग्ध। आप देखो मुग्ध माने कि विवेक रहित है। बालक में अभी कोई विशेष प्रकार के राग द्वेष प्रकट नहीं हुए हैं, वो विवेक नहीं है उनमें। अब देखो बिल्कुल नैसर्गिक जीवन है बालक का। भोजन करना है, सो जीवन होता है। शिशु, अति छोटे शिशु होता है ना, भोजन करना है, निद्राधीन होना है और खेलते रहना है बस। तो वो मुग्ध है माने कि उनमें कोई विवेक नहीं है, अविवेक है, विवेक रहित है। मुग्ध बुद्ध महाराजा जिसको हम कहते हैं, वो महाराजा क्या है? उनके पास व्यवहारिक विवेक है। व्यवहारिक जगत का जो विवेक है वो महाराजा के पास है। वो महाराजा वो होते हैं जो व्यक्ति को देख के ही उनके उनके शरीर से ही उनको पहचान जाते हैं। वो महाराजा जो होते हैं व्यवहार कुशल होते हैं, और इसीलिए व्यवहार कुशलता है। बुद्ध, बुद्ध माने कि व्यवहार कुशलता उनके अंदर है। और जो महाविप्र है वो क्या है? अति बुद्धानाम, अति बुद्धानाम माने अति विवेक है। सत्य और मिथ्या का जिसने विवेक कर दिया है, नित्य अनित्य का, आत्मा अनात्मा का जिसने विवेक कर दिया है। लेकिन ये तीनों में जो सामान्य है वो क्या है? बालक में भी राग द्वेष प्रकट नहीं हुए हैं, राजा को भी कोई विशेष राग द्वेष की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि सब प्रकार के भोग है उनके पास उपलब्ध है। और ब्रह्म ज्ञानी जो है, अति महाविप्र जो है, वो महाविप्र महाब्राह्मण जो है, उसने अपने स्वरूप को जान लिया है, अपने को आनंद स्वरूप जान लिया है, और इसलिए भी उनको कोई राग द्वेष की अपेक्षा नहीं है। आप समझे? तो ये तीनों के दृष्टांत में जो सामान्य जो है वो क्या है? राग द्वेष रहित। आप देखो तीनों में राग द्वेष नहीं है। न तो दुखी न, तो उनके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई राग द्वेष न होने से, उदाहृताना मन्ये तो दुखी न। अब देखो अन्य जो है वो राग द्वेष वाले जो होते हैं वो दुखी होते रहते हैं, लेकिन जो राग द्वेष रहित है, हम सब माने कि जो राग द्वेष के अधीन नहीं है, सुखात्मक है। अब देखो वो सुख स्वरूप है, अपने आप को सुख स्वरूप वो जानते हैं। अब बालक, महाराजा और ब्रह्म ज्ञानी से अन्य जो लोग हैं, उदाहृतानाम अन्य, तो उससे जो अन्य लोग जो है सब दुखी रहते हैं। अब युवा
गृहस्थ है, कर्मठ है, वैदिक न सुखात्मक है, उनको कभी भी वो सुख सुखी होने का अनुभव नहीं होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रहती उनके लिए। देखो इसलिए ब्रह्मज्ञानी और बालक ये दो सीमा है, एक में अभी राग द्वेष व्यक्त नहीं हुए हैं, दूसरे है जिसमें राग द्वेष की पूर्ति की अपेक्षा ही नहीं है। राग द्वेष है लेकिन राग द्वेष की पूर्ति होने की कोई अपेक्षा नहीं है। दोनों क्या है तो इसलिए ब्रह्म ज्ञानी के लिए बात ऐसा कहते हैं, शिशु समान है। राग द्वेष है तो भी ठीक है, राग द्वेष नहीं है तो भी ठीक है, राग द्वेष की पूर्ति होती है तो भी ठीक है, राग द्वेष की पूर्ति न होती है तो भी ठीक है। आप देखो आप सुन लो, और इसलिए ये तीन दृष्टांत के द्वारा हमें दर्शाते हैं कि जिसके या राग द्वेष अभिव्यक्त नहीं हुए, जिसके राग द्वेष की कोई अपेक्षा नहीं है, और जिसके राग द्वेष पूर्णतः पूर्त हो गए हैं वह राजा है, सर्व प्रकार के भोग उपलब्ध है उनके जीवन में। उससे अन्य जो भी कोई है वो सब दुखी है। आप देखो सुखी होने का वो प्रयत्न करते रहते हैं लेकिन वो सुखी नहीं होते हैं, और इसलिए कहते हैं अन्य तो दुखी न सुखात्मक है, वो सुखी नहीं है। और इसीलिए ये दृष्टांत हमें दिया गया है। तो बोले कि वो श्रुति वाक्य का तात्पर्य क्या है, तो श्रुति वाक्य का जो तात्पर्य जो है वो अभी हमें दर्शाते अगले श्लोक में। कुमारादिव देवायाम कुमारादिव देवायम ब्रह्मादय ब्रह्मानंदैक तत्परः ब्रह्मानंदैक तत्परः श्री परिष्वक्त वद्वेद स्त्री परिष्वक्त वद्वेद न बाह्यम नापि चांतरम न बाह्यम नापि चांतरम। कुमारादिवत कुमार महाराजा और महाविप्र के समान अयम ब्रह्मानंद एक तत्पर है, ये भी अपने ब्रह्मानंद स्वरूप में ही वो निष्ठ हो गए हैं। आप देखो तत्पर है, उसी में वो तत्पर है, लेकिन वो सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है, स्त्री परिष्वक्त वद्वेदन बाह्यम। सुषुप्ति अवस्था में कुछ अन्य कुछ स्त्री आदि के जो आसक्ति है वो कुछ बाह्य विषय नहीं है, न अंतरम आंतरिक भी कुछ नहीं है। आप समझो ये ठीक से, सुषुप्ति अवस्था में जागृत अवस्था नहीं है, बाकी माने की बाह्य जगत नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में स्वप्न अवस्था भी नहीं है, माने की उनका अपना आंतरिक जो जगत है। पहले 5 सेकंड की एड आती थी, अब 5 सेकंड की एड आने लगी है, इसलिए आप सबको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। अब स्त्री आदि जागृत अवस्था नहीं है, मानी कि बाह्य जगत नहीं है उनके लिए, और स्वप्न नहीं मानी आंतरिक जगत भी नहीं है। हमारे आंतरिक जगत में भी ये सब है, आप समझो आंतरिक जगत में भी हमारी भावना है, हमारी इच्छा है, हमारी अपेक्षा है, हमारे विषय है, आप देखो। लेकिन सुषुप्त अवस्था में न बाह्य जगत है, न अंतर है, न आंतरिक जगत है, आप समझो कुछ भी नहीं, ना विचांतरम। लेकिन आप स्वयं है सुषुप्त अवस्था में, आप समझो बाह्य जगत नहीं है, आंतरिक जगत नहीं है, दोनों दोनों लीन हो गए हैं, लेकिन आप स्वयं तो है वहां पर, और आप स्वयं है और आनंद भी है, आप समझो। और इसलिए ये जो श्लोक है मंत्र जो है, तद्यथा प्रियया स्त्रिया परिष्वक्तः न बाह्यम किंचन वेदनांतरमेव अयम पुरुषः प्राग्नेन आत्मना संपरिष्वक्तः न बाह्यम किंचन वेदनांतरम। बृहदारण्यक उपनिषद का ज्योतिर्ब्राह्मण का ये मंत्र है, वो मंत्र में कहते हैं, देखो बहुत सुंदर है, स्त्री परिष्वक्तवे वद
जब स्त्री और पुरुष जब एक दूसरों के साथ संभोग कर रहे हैं, अब देखो वो सुख का अनुभव जब कर रहे हैं, तब उनके लिए कोई बाह्य जगत भी नहीं है, कोई आंतरिक जगत भी नहीं है। आप देखो न किंचन बाह्यम वेदनांतर, उसी प्रकार से तद्वत अयम पुरुष प्राग्नेन आत्मना परिश संपरिश्वक्त न बाह्यम वेदनांतरम। स्त्री पुरुष ही नहीं, आप समझो आपको अपने राग के अनुसार इच्छा के अनुसार कुछ भी आपको जब प्राप्त हो जाता है ना, तब आप अपने साथ होते हैं। अब बद्रीनारायण का दर्शन करना है, बद्रीनारायण का दर्शन करना है, अब मन में इच्छा है ये देखो। अब जब इच्छा की पूर्ति होती है तो क्या होता है, आप गए बद्री, अब जब बद्रीनाथ गए, इतनी मेहनत करके, इतना प्रयास करके, आयास करके हम बद्रीनाथ पहुंच गए। अब प्रातः काल उठ के तैयार होके फिर हम बद्रीनाथ के दर्शन के लिए गए, और वहां बहुत ठंडी है, जीवन में कभी इतनी ठंडी देखी नहीं है, फिर भी वो बद्रीनाथ के दर्शन के लिए हम ये सब सहन कर लेते हैं। और जब आप बद्रीनाथ के सामने हैं, आप देखो जैसे ही आप बद्रीनाथ के सामने खड़े हो गए, बद्रीनाथ के दर्शन हो गए, आप देखो क्या होता है, आप आंख मूंद के अपने साथ हैं, न बाह्यम न अंतरम, कुछ भी नहीं है, आप स्वयं हो। अब देखो आप समझो, किसी भी इच्छा की जब पूर्ति होती है तो एक क्षण के लिए आप अपने साथ होते हो, इसलिए आंख मूंद देते हैं हम। आप देखो पुत्र अमेरिका गया है, 10 वर्षों के बाद वो पुत्र आया, वो पुत्र को देखा, अपने गले लगाया, फिर मां आंख मूंद देती है। अब देखो ये आंख मूंदना जो है ना, यू क्लोज योर आईज, व्हाई, बिकॉज यू आर विथ योर सेल्फ। और इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से जो आसक्त, जिसमें आप आसक्त हैं, और वो आसक्ति का विषय जब आपको प्राप्त हो जाता है, प्रिय विषय की प्राप्ति जब होती है, प्रिय विषय का जब भोग आप करते हो, तो वो भोग के क्षण में आप क्या करते हो, कुछ भी नहीं है, आप स्वयं हैं। आप देखो न बाह्यम न न च अंतर, उसी प्रकार से जिसको की प्राप्ति हो गई है, आत्मा से ही संतुष्ट है, आत्मा में ही आसक्त जो है। अब न बाह्यम च नान्तरम, उनके लिए न कुछ बाह्य है न कोई अंदर है, आप समझो ये बाह्य अंदर, ये योग वाले जो है ना, आप समझो ठीक से, ये योग वाले ने ये बाकी, योग वाले ने बहिर्मुख अंतर ये बाकी है, ये अंदर, अब कुछ भी नहीं है। वेदांत की दृष्टि से बहिर्मुखता क्या है, अंतर्मुखता क्या है, आप समझो। तो जिसने संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप जान लिया है, उनके लिए न बाहर है न कोई अंदर है। उसी प्रकार से सुषुप्तौ प्राग्नेन परमात्मान ऐक्यम गतः जीवः ब्रह्मादि विषय ज्ञान अभावात बाह्यादि ज्ञान विषय अभावात। अब देखो सुषुप्ति अवस्था में कुछ भी नहीं है, न बाह्य है न अंदर है, न कोई विशेष प्रकार के विषय है, और इसीलिए वो अपने स्वरूप में आनंद रूपम एव भवति। प्रत्येक दिन आप निद्रा में ये आनंद स्वरूप की अनुभूति करते हो, लेकिन जागने के बाद आपको ये प्रत्यभिज्ञा होती है, स्मरण होता है,
सुखे न मया निद्रा अनुभूयते। अब तो सुषुप्ति अवस्था आपको, महर्षि बहुत सुंदर कहते थे, सुषुप्ति अवस्था के द्वारा हम दो बात सीख सकते हैं। पहला तो आनंद में रहने के लिए आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, आप आनंद में रह सकते हो। सुषुप्ति अवस्था में कुछ भी नहीं है, आप तो सुषुप्ति अवस्था आपको दर्शा रही है कि आपको प्रसन्न रहने के लिए बाह्य अंदर कोई विषय की अपेक्षा नहीं है। दूसरा, सुषुप्ति अवस्था आपको ये उपदेश दे रही है कि आप स्वतंत्र हैं, आपको आनंद में रहने के लिए किसी भी प्रकार से किसी पर भी परतंत्र होने की आवश्यकता नहीं, आप स्वतंत्र हो। आप देखो सुषुप्ति अवस्था में उपदेश दे, समझ ले कि सुखी होने के लिए बाह्य जगत की अपेक्षा नहीं है और परतंत्रता की अपेक्षा नहीं है। तो जागृत में भी आप सुखी हो सकते हो, समझ रहे हो। सुषुप्ति अवस्था के आपके अनुभव का अगर हम विश्लेषण कर ले और अगर हम समझ लेते हैं तो बाह्य जगत में माने कि जागृत अवस्था में भी हम आनंद में रह सकते हैं। आप देखो क्यों, ब्रह्मानंद तत्पर है, आप अपने साथ हो, आप ब्रह्मानंद स्वरूप हो। तो सुषुप्ति हमें उपदेश देती है कि एक अद्वितीय आनंद ही आपका स्वरूप है, और इसीलिए कहते हैं कि वहां ना बाहर है ना अंदर है, कुछ भी नहीं है। आप देखो तो बोले बाकी और अंदर की क्यों बात करते हो आप, बाहर और अंदर हम जो कहते हैं वो अब दो श्लोकों के द्वारा हमें बाहर और अंदर का क्या बात है वो समझाते हैं। तो पहले बाहर क्या है वो दर्शाते हैं अगले श्लोक में, 55 बाह्यम रथ्यादिजम वृत्तम, बाह्यम रथ्यादिजम वृत्तम गृहकृत्यम यथांतरम, गृहकृत्यम यथांतरम तथा जागरणम बाह्यम, तथा जागरणम बाह्यम नाडिस्थ स्वप्न आंतरः, नाडिस्थ स्वप्न आंतरः। बाह्यम रथ्यादिजम वृत्तम, गृह कृत्यम यथांतरम, बाहर अंदर क्या है, तो बोले कि आप सीमा कर लो घर की, गृह, गृह की सीमा करके अगर हम कहेंगे तो राजमार्ग जो है वो बाह्य है। रथ्यादि माने कि रथ के चलने के लिए जो रथ मार्ग है ना, रथ्य कहते हैं उसको, आदि माने और सब राजमार्ग आदि से जो क्रिया, राजमार्ग के जम वृत्तम, वृत्तम माने क्रिया, तो राजमार्ग पर आप जा रहे हैं, राजमार्ग पर अनेक प्रकार के वृक्ष है, रथ है, मनुष्य है, वो सब बाहर है, घर के बाहर है। गृह कृत्यम यथांतरम, कोई कर्म कर रहे वो अंदर है। आप गृह की सीमा के द्वारा हमें कहते हैं कि घर के बाहर जो कोई प्रवृत्ति होती है वो बाह्य क्रिया है, घर के अंदर जो प्रवृत्ति होती है वो आंतरिक क्रिया है। उसी प्रकार से तथा जागरणम बाह्यम, मैंने कहा ना कि जागृत अवस्था बाह्य है, नाडिस्थ, नाडिस्थ देखो हमारे मस्तिष्क में एक ऐसी नस नाड़ी है जहां पर ये स्वप्न जगत हम देखते हैं, तो वो अंदर है। जिस प्रकार से घर की सीमा बनाकर हम कहते हैं राजमार्ग आदि जो है वो बाहर है और घर के अंदर जो कर्म होते हैं वो आंतरिक कर्म है, उसी प्रकार से देह की सीमा बना के हम कहेंगे तो जागृत अवस्था में बाहर जो कुछ है वो बाह्य है, स्वप्न अवस्था में जो कुछ है वो सब अंदर है। अब देखो लेकिन सुषुप्ति अवस्था में क्या है,
सुषुप्ति अवस्था मैंने बाह्य है, मानी ने जागृत अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था मैंने स्वप्न है, आप देखो ना आंतरिक आंतरिक जगत है, वो दोनों से अन्य है सुषुप्ति अवस्था। ननो पितृत्वादि अभिमान अभावे पी सुखित्वादि संसार किम न स्यात्। तो कहे कि नहीं ऐसा क्यों कहते हो, बाह्य जगत जिसको हम कहते हैं सुषुप्ति में ही केवल ब्रह्मानंद की स्थिति होती है ऐसा आप कहते हो, तो सुषुप्ति अवस्था में जो है वहां पर कुछ भी नहीं है, और इसलिए संसार से देहाभिमान मूलत्व तदभाव अभाव इति मनवान है। बाह्य जगत में पिता भी है माता भी है, देखो, और पिता नहीं है तो माता भी नहीं है, उसका अभाव भी हो सकता है। बाह्य जगत में हम बहुत कुछ देखते हैं, और वो नहीं है तब भी सुखित्व आदि संसार है, इस संसार में सुख क्यों नहीं हो सकता, संसार में भी सुख है, आप ये सुषुप्ति पकड़ के क्यों बैठे हो, जागृत अवस्था में भी वो सुख की अनुभूति हो सकती है, स्वप्न अवस्था में भी वो सुख की अनुभूति होती है, आप ये सुषुप्ति पकड़ के क्यों बैठे हो। और इसीलिए आगे कहते, तो आगे के श्लोक में कहते वो बृहदारण्यक उपनिषद के मंत्र को दर्शाते हैं। अब पिता सुप्ता वपीते थे, पिता सुप्ता वपीते थे आदौ जीवत्व वारणात्, आदौ जीवत्व वारणात् सुप्तौ ब्रह्मैव नो जीवः, सुप्तौ ब्रह्मैव नो जीवः संसारित्वामि संसारित्वा समीक्षणात्, संसारित्वा समीक्षणात्। पिता अपि, देखो ये सब संधि है, सुप्तौ अपिता इति, जागृत अवस्था में वो पिता है, सुप्तौ जब वो सो जाता है तो वहां पिता नहीं है वो, अपिता आदौ जीवत्व वारणात्। उसी प्रकार से माता भी अमाता हो जाती है, गुरु अगुरु हो जाता है, धनवान अधनवान हो जाता है, राजा अराजा होता है, रंक अरंक हो जाता है, आप देखो, मानी कि जो संसारीपना है ना, जीवत्व वारणात्, जो जीवपना अल्पता की जो भावना है, जीव भाव जो है वो वहां नहीं है सुषुप्ति में। संसार क्या है, अहंता ममता इति संसार है, ये मैं हूं और ये मेरा है, मैं देह हूं और देह से संबंधित जो कुछ है सब मेरा है। अब सुषुप्ति अवस्था में देह भी नहीं है और देह से संबंध का जगत भी नहीं है, अब देखो, तो वहां जीव भी नहीं है, जो अहंता ममता में पड़ा हुआ है वो जीव है, कर्तृत्व भोक्तृत्व संसारो नाम कर्तृत्व भोक्तृत्व, शंकराचार्य जी कहते हैं ये कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है, तो सुषुप्ति में न करता है न भोक्ता है, आप देखो, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व सुषुप्ति में नहीं है, माता ममता ममता जिसको कहते वो भी सुषुप्ति नहीं है, माने कि जीव है ही नहीं, जीवत्व वारणात्, आप समझो आपका जीव भाव जो है जीव भाव की ही निवृत्ति हो जाती है, सुषुप्ति में जीव भाव रहता ही नहीं है। अब जब जीव भाव ही नहीं रहेगा तो क्या हो, सुप्त ब्रह्मैव न जीवः, सुप्त सुषुप्ति अवस्था में जीव है ही नहीं, ब्रह्म मात्र है, संसारी तो असमीक्षणात्, क्योंकि वो संसारी पना का अनुभव है ही नहीं, आप देखो, असमीक्षणात् माने कि वो जीव भाव जिसको कहते हैं, संसारी पना हम जिसको कहते हैं वो वहां है ही नहीं, आप समझो, संसारी पना वहां नहीं है, जीव पना भी वहां पर नहीं है,
और इसलिए जो रहेगा वो क्या है, ब्रह्मैव, जो रहेगा वो आप, जो ब्रह्मानंद स्वरूप आप है वही वहां रह गए। न जीव रहा, न कर्तृत्व, न भोक्तृत्व, न संबंध, कुछ भी नहीं है। और इसलिए कहते हैं सुषुप्ति अवस्था में आप जीव है ही नहीं, आप ब्रह्मानंद स्वरूप है। क्योंकि जिसको हम जीव कहते हैं, जहां अहंता ममता है, कर्ता भोक्ता है, वो कुछ भी नहीं, बाह्य जगत भी नहीं, आंतरिक जगत भी नहीं। और इसीलिए जीव ही नहीं रहेगा, जो रहेगा वो ब्रह्मात्म मात्र रहेगा। और इसीलिए वहां पर जो अनुभूति, वो जो अनुभूति, जो सुख की अनुभूति हमें होती है, वो सुख भी क्या है, ब्रह्मानंद का। आप ब्रह्मानंद की अनुभूति सुषुप्ति में करते हो, आप देखो। और इसीलिए ये संसारी पना ही नहीं रहता। अगले श्लोक में कहते हैं कि संसारी पना ही नहीं रहेगा तो दुख का भी कोई प्रश्न रहता नहीं है। आगे के श्लोक में कहते पितृत्वादि अभिमानो यह, पितृत्वादि अभिमानो यह, सुख दुखाकर स्थित, सुख दुखाकर सही, तस्मिन्नपगते तीर्ण, तस्मिन्नपगते तीर्ण, सर्वान् शोकान् भवत्ययम्, सर्वशोकान् भवत्ययम्। हम देखो सुषुप्ति में क्या होता है, पहले तो देह अभिमान नहीं है। अब देह का अभिमान नहीं है तो फिर माता पिता, स्त्री पुरुष, अब देखो युवा वृद्ध कहां से आएगा, देह अभिमान ही नहीं है। आप समझो, देह का अभिमान न होने के कारण संसार का भी अभाव हो जाता है। देखो इसलिए मैं आपको पुनः पुनः कहते रहती हूं, आप इतना तो निश्चय कर लो आप शरीर नहीं है, नाहम देह, आप देह है ही नहीं। अब जब देह नहीं है तो स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, नहीं है माता, नहीं है पत्नी, नहीं है पति, नहीं है युवा, नहीं है वृद्ध, नहीं है रोगिष्ठ, नहीं है, आप देखो स्वस्थ नहीं है। आप सब जब तक ये देह अभिमान में आप बैठे हैं तब तक ये संसार रहेगा। आप समझो ये ठीक से, जैसे ही ये देहाभिमान निकल गया, जब देहाभिमान ही नहीं रहेगा तो किस प्रकार का दुख रहेगा, किस प्रकार का संसार होगा, किस प्रकार का जीव होगा। आप देखो जीव नहीं है, संसार नहीं है, सुख दुख नहीं है, सर्व प्रकार के दुख का जो जड़ है ना, मूल जो है ना, ये देहाभिमान है। मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं प्राण हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं अहंकार हूं। अब देखो ये अहम बुद्धि जो है ना, वो आपके दुख का कारण है। और सुषुप्ति में क्या होता है, और इसलिए श्लोक में क्या है, पितृदादि अभिमान यह सुख दुखा कर सह ही। सुखी पना दुखी पना जो है किसके कारण है, पितृत्वादि अभिमान है, जिसमें ये पितादि अभिमान करके बैठा, मैं पिता हूं, मैं माता हूं, मैं पत्नी हूं, मैं बॉस हूं, ये नौकर है। अब देखो कितने अभिमान करके हम बैठे हैं, ये सब अभिमान ही हमारे लिए सुख दुख का कारण बनता है। तस्मिन अपगते तीर्ण है। अब देखो अब जब वो ही नहीं रहा, सुषुप्ति अवस्था में देहाभिमान है ही नहीं, जब देहाभिमान सुषुप्ति में नहीं है तो न जीव है, न संसार है, न सुख दुख है। और इसलिए कहते हैं तस्मिन अपगते तीर्ण सर्वान् शोकान् भवति। अयम अयम माने आप जब सुषुप्ति अवस्था में होते हैं तो सर्व प्रकार के संसारत्व की, जीवत्व की, पितादिपना की सबकी निवृत्ति हो जाने पर सुषुप्ति अवस्था में आप देखो सर्वान् शोकान् तीर्ण, सर्व प्रकार के शोक आप पार कर जाते हो, वहां कोई शोक है ही नहीं, जो है वो एक एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। आप देखो और इसीलिए शास्त्र में भी कहते हैं तीर्ण ही तदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य भवति। सुषुप्ति अवस्था में मनुष्य जो है सर्व प्रकार के शोक को पार कर जाता है। आप देखो कोई शोक का निमित्त ही नहीं है,
और इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में सर्व प्रकार के शोक की सर्वांश शोक को आप पार कर जाते हो, और इसीलिए वहां जो रहेगा वो एक ब्रह्मानंद मात्र है। और इसीलिए ये कैवल्य उपनिषद का जो मंत्र है ना, जहां सुषुप्ति अवस्था का वर्णन किया गया है, सुषुप्ति अवस्था में आपका जो अनुभव है वो अनुभव कैवल्य उपनिषद में दर्शाया है, वो जो मंत्र है कैवल्य उपनिषद अथर्व वेद का उपनिषद है, और उनका यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ उनको अवतरण किया है उनका। तो पहले हम श्लोक पढ़ें। सुषुप्ति काले सकले विलीने तमसावृतः सुखरूपमुपैतेति ब्रूते ह्याथर्वणि श्रुतिः। अथर्वणि श्रुतिः माने कि अथर्व वेद की जो ये श्रुति है, उपनिषद जो है, उनको कैवल्य उपनिषद कहते हैं। तो कैवल्य उपनिषद में कहा है सुषुप्ति काल में क्या होता है, सकले विलीने, अब सब विलीन हो गया है, तमसावृत, देखो यही एक है, ब्रह्म ज्ञान और सुषुप्ति अवस्था में जो भेद है, भिन्नता है, वो क्या है, सुषुप्ति अवस्था में तमसावृत है, तमस है, आप देखो तामसिक है वो, और इसीलिए कहते हैं सकले जाग्रदादि लक्षणे प्रपंचे विलीने स्व उपादान भूत तम प्रधानायाम प्रकृतम विलयम। निद्रा तामसिक अवस्था है, वहां अज्ञान का आवरण है, अंधकार है, तमस माने अंधकार, ये अंधकार जो है ना सबको आवृत्त करता है। अब देखो आपके घर में जब अंधकार होता है तो सर्व वस्तु हमें दिखती नहीं है, अंधकार से आवृत्त हो गई है। उसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है, ये सब विलीन हो जाते हैं, तमसावृत है। तमो गुण प्रधानता प्रकृति से ये सब आवृत्त होके रहते हैं। सुखरूपम उपैति थी, उस वक्त जीव का जो अनुभव है वो क्या है, सुखरूपम उपैति थी, उनको सुखी नहीं होना है, सुखरूप है ये उनका स्वरूप है, अपने सुख स्वरूप को ही उपैति माने की अपने सुख स्वरूप को ही वो प्राप्त कर लेता है, कुछ भी नहीं, लेकिन आप तो है ना सुषुप्ति में, आप देखो तो सुषुप्ति में दो बाधन, एक तो आनंद है सुख है और दूसरा आप है, तो आप और सुख दो है ही नहीं, एक ही है, आप देखो आप सुख स्वरूप है, सुषुप्ति अवस्था आपको कहती है कि आप सुख स्वरूप है, एक अद्वितीय सुख स्वरूप साक्षी चैतन्य आप है, और जागृत अवस्था में भी आप वही है, आप समझो ऐसा नहीं है कि सुषुप्ति अवस्था में आप एक अद्वितीय साक्षी चैतन्य है और जागृत अवस्था में नहीं है, जागृत अवस्था में भी आप एक अद्वितीय साक्षी चैतन्य स्वरूप ही है, लेकिन देहाभिमान के कारण वो आपका स्वरूप जो है वो दिखता नहीं है, आप समझो, और इसलिए कहते हैं कि कैवल्य उपनिषद भी यही कह रही है कि सुषुप्ति काल में आप सुखरूप हो जाते हैं, आप अपने स्वरूप में लीन हो जाते हो। अब तो बोले कि तो ठीक है ना, हम सुषुप्ति अवस्था में ही रहेंगे, रहो। कितने समय तक आप सुषुप्ति अवस्था में रहेंगे, हम देखो
आपका प्रारब्ध आपको जगाता है, आपके प्रारब्ध में भोग लिखे हैं और वो भोग करने के लिए वो प्रारब्ध कर्म ही आपको जगाता है, सुषुप्ति से आपको बाहर निकालता है, और वो भोग के लिए आपको जागृत कर देता है। और इसीलिए हमेशा सुषुप्ति अवस्था की संभावना नहीं, आप समझो, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में इतना हमें बोध हो जाता है कि मैं सुख स्वरूप हूं। और इसीलिए कहते हैं विद्यारण्य मुनि, कहते हैं कि मैं अकेला नहीं कह रहा, ये श्रुति माता भी यही कहती है कि सुषुप्ति अवस्था में जब सर्व सकल विलीन है, जब सर्व विलीन हो जाता है, तब जो आपको अनुभूति होती है वो सुख रूप की अनुभूति है। आगे सुखम सुख सुख स्वाप्सम किंचिदवेदिशम न वै किंचिदवेदिशम इति सुप्ते सुखाग्नाने परामृशति चोत्थितः सुषुप्ति अवस्था क्या है, तो सुषुप्ति अवस्था की व्याख्या करते हैं यहां पर। सुखम अवाप्सम, सुख में सुखम अस्वाप्सम, अस्वाप्सम माने मैं सो गया था, अहम न वै किंचित अवेदिशम मैं कुछ भी नहीं जानता था, तत्व बोध में सुषुप्ति अवस्था की यही है लेकिन अन्य प्रकार से की गई है। आप देखो सुखे न मया निद्रा अनुभूयते न हम किंचित जानामि, सुषुप्ति अवस्था की व्याख्या तत्वबोध में इस प्रकार से, विवेक चूडामणि में इसी प्रकार से, आप देखो मैं सुख से सो गया था, न किंचित अवेद मैं कुछ भी नहीं जानता था। आप देखो लेकिन ये ज्ञान जो है, इति सुप्ते सुख अज्ञाने, लेकिन वो जो ज्ञान जो है ना, वो ज्ञान सुषुप्ति में आपको नहीं होता है, सुषुप्ति में सुख का अज्ञान है, आप समझो, निद्रा काल में वो सुख की अनुभूति आपको होती है लेकिन ज्ञान नहीं होता है। आप देखो वो ज्ञान कब होता है, परामृशति उत्थितः, जागने के बाद आप ये अनुभव कहते हो, मैं आनंद से सो गया था, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। अब देखो तो जागने के बाद आपको वो स्मरण होता है, क्या स्मरण होता है, दो, अब देखो द्विवचन है, आप समझना है ठीक से, सुख ज्ञाने, सुप्ते सप्तमी विभक्ति है, सुषुप्ति काले सुषुप्ति अवस्था में, सुख ज्ञाने दो है, ये द्विवचन है, आप देखो ये सप्तमी विभक्ति नहीं है, सुख और अज्ञान दोनों का अनुभव है, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, मैं आनंद से सो रहा था। इस प्रकार से सुषुप्ति अवस्था में हमें ये दो ज्ञान है, एक सुख का ज्ञान भी है और अज्ञान ज्ञान हमें है, आप देखो ये, लेकिन वो जो दो ज्ञान है, सुख का ज्ञान और अज्ञान का जो ज्ञान है, वो क्या होता है, उनको हम कब याद करते हैं, जागने के बाद, उत्थित जो निद्रा से उठा हुआ है वो ये कहेगा, अपना अनुभव जो है वो परामृशति माने की वो अपने अनुभव को दर्शाता है, तो वहां ये दो है, सुख और अज्ञान दोनों है। अब देखो इसीलिए मैं कहती हूं कि जो अनंत सुख की हमने जो व्याख्या की है ना, देश काल वस्तु अपरिछिन्न है, अनायास है, स्वतंत्र ज्ञान सहित, तो ये छह जो व्याख्या है ना
अनंत आनंद की, उसमें एक ही नहीं रहता है, वो गनान नहीं है। और इसीलिए उठने के बाद, जागने के बाद आपको वो ज्ञान होता है। इसीलिए सुषुप्ति में आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, सुषुप्ति में आपको ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है, लेकिन सुषुप्ति में आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि तमसावृत है। आप देखो तामसिक प्रकृति वहां पर है, तामसिक प्रकृति होने के कारण आपका जो ज्ञान है वो आवृत हो जाए। अज्ञाने अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। और इसलिए कहते हैं कि ये सुषुप्ति अवस्था में ये दो ज्ञान है हमें, सुख का भी ज्ञान होता है, अज्ञान का भी ज्ञान होता है, लेकिन ये दोनों का जो ज्ञान है उसका स्मरण हमें जागृत अवस्था में होता है, स्वप्न अवस्था सुषुप्ति अवस्था में नहीं होता है। और इसीलिए ब्रह्मानंद की अनुभूति सुषुप्ति में है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान सुषुप्ति में नहीं है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिम महेशाः गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्य शालिनी देशो यंशो भरहितः ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम।